हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोप्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को अभी सब्सक्राइब ना किया हो, इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब में जाके, और आगे आने वाले लेक्चर्स का अपडेट आपको टाइमली उससे मिलता रहेगा, और आपको ये लेक्चर सीरीज के माध्यम से सारा का सारा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। सो व्हाट आर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स? टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम सिग्नल्स हमारे हैं वो हैं, दिस ग्रुप ऑफ सिग्नल इंडिकेट्स टू कंट्रोल सिग्नल्स, रीड एंड राइट। यानी कि रीड एंड राइट आपके दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर ही आपके दो सिग्नल आते हैं, रीड एंड राइट सिग्नल। तो रीड सिग्नल आपका जो होता है वो कैसा सिग्नल होता है, आपका एक्टिव लो सिग्नल होता है। एक्टिव लो सिग्नल का मतलब होता है ऐसा सिग्नल कि जब उसको हम जीरो कर देते हैं, जब उस सिग्नल पे उस पिन पे जीरो आ जाता है तो वो सिग्नल हमारा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये जो रीड सिग्नल है इसके ऊपर बार होता है, तो जब इस पे जीरो आता है तो इसका ऑपोजिट वो क्या हो जाता है, बार होते क्या हो जाता है, वो वन हो जाता है। सो रीड सिग्नल इज कंट्रोल सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल। दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द सेलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड। यानी कि ये कहता है कि जो भी आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी कुछ भी जो भी सेलेक्ट किया है आपने, उस पर जो भी आपको डाटा पढ़ा है वो आपको रीड करना है, ठीक है। एंड द डाटा आर अवेलेबल ऑन डाटा बस। आपका डाटा कहाँ अवेलेबल होगा, आपको डाटा बस पे अवेलेबल होगा। तो रीड सिग्नल का काम क्या होता है, मेमोरी लोकेशन से या इनपुट आउटपुट से मेमोरी को डाटा को आपको रीड करना है, जो मशीन कोड है उसको आपका रीड करने का काम होता है रीड सिग्नल। रीड जो आपकी ये सिग्नल है, रीड सिग्नल का काम ये होता है, कंट्रोल सिग्नल होता है। नेक्स्ट है राइट सिग्नल। राइट सिग्नल भी आपका कंट्रोल सिग्नल है, ये एक एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है। एक्टिव लो मतलब वो ये कि जब भी इस पिन पे जीरो आएगा तो क्या होगा, क्योंकि राइट बार लिखते हैं हम, डब्ल्यू आर का बार होता है, तो जैसे ही जीरो आता है तो उसका अपोजिट वन हो जाता है और आपकी पिन एक्टिवेट हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द डाटा ऑन द डाटा बस आर टू बी रिटर्न इन टू अ सेलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। यानी कि डाटा बस पे जो भी डाटा अवेलेबल है आपका, वो कहाँ पे आपको राइट करना है, वो राइट करना है आपको या तो मेमोरी लोकेशन पे या फिर इनपुट आउटपुट पे, जो भी आपका सिलेक्टेड है। तो ये होता है आपका राइट ऑपरेशन, राइट जो आपकी कमांड है, ये जो आपका राइट सिग्नल है, सॉरी कंट्रोल सिग्नल, ये आपका राइट सिग्नल का काम है। अब इनपुट आउटपुट और मेमोरी, हमने दोनों बार बोला कि इनपुट आउटपुट या मेमोरी से डाटा लिया जाए या वहां से डाटा दिया जाए। अब ये कैसे डिसाइड होगी इनपुट आउटपुट या मेमोरी, तो वो आपके नेक्स्ट देखिए स्टेटस सिग्नल है, ये स्टेटस सिग्नल है आईओ ओब्लिक एम बार। तो ये बताता है कि ये डिफरेंशिएट करता है कि जो डाटा है, जो भी आपका ऑपरेशन होना है, वो इनपुट आउटपुट पे होना है या फिर मेमोरी पे होना है। तो अगर इस पे वन आता है तो इनपुट आउटपुट, और अगर इस पे जीरो आता है तो मेमोरी पे, क्योंकि मेमोरी इसका है ये लो एक्टिव है और जो आईओ है वो आपका हाई एक्टिव है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट करता है आईओ ओब्लिक मेमोरी की जो डाटा है वो आपका इनपुट आउटपुट पे ऑपरेशन होना है उसका या फिर मेमोरी पे ऑपरेशन होना है, ठीक है। इसमें लिखा भी है इनपुट आउटपुट ओब्लिक एम इज अ स्टेटस सिग्नल यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ऑपरेशन। व्हेन इट इज हाई इट इंडिकेट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जब ये हाई होता है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, एंड व्हेन इट इज लो इट इंडिकेट्स मेमोरी ऑपरेशन, जब ये लो होता है तो ये मेमोरी ऑपरेशन के बारे में बताता है। तो ये तीन हुए हमारे रीड राइट और इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा एस वन एंड एस जीरो, ये भी दो स्टेटस सिग्नल है इनपुट आउटपुट और मेमोरी की तरह, और ये भी जो है बहुत सारे ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल में ले जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे ऑपरेशन अगर हम कोई करते हैं इसमें तो उसके लिए ये बहुत कम इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो ये भी बेसिकली आपके दो स्टेटस सिग्नल है। नेक्स्ट है आपका ALE। ALE एक स्पेशल सिग्नल है, इसका नाम होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल क्या होता है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, अगर आप इसको वन देंगे तभी एक्टिवेट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली बात कि ये हर मशीन साइकिल की बिगिनिंग में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जैसे ही एक्टिवेट होता है तो जो आपकी मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा लाइन है AD0 से लेके AD7 तक की, जो आपकी मल्टीप्लेक्स डाटा लाइन होती हैं उसमें ये बताता है, जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये बता देता है कि इस समय जो एड्रेस डाटा लाइन है उसके ऊपर आपको जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आपको वो एड्रेस मिलता है। ये एड्रेस लैच को इनेबल कर देता है, यानी कि एड्रेस को इनेबल कर देता है, उस समय डाटा नहीं होता है उस लाइन पे। उस लाइन पे क्या अवेलेबल होता है, उस लाइन पे आपका एड्रेस अवेलेबल होता है। तो ये था आपका ALE।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ वेरियस सिग्नल्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर वी शुड एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो सिग्नल का आदान प्रदान है, जो सिग्नल का कम्युनिकेशन है 8085 में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है पेरिफेरल्स के बीच में, पेरिफेरल्स मतलब कि जो आपका मेमोरी है, सीपीयू है, एएलयू है, उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सिस्टम कंप्राइज हो रहा है, वो जो है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस एंड द मेमोरी, प्रोसेसर एंड द मेमोरी एंड द टाइमिंग ऑफ दिस सिग्नल इन रिलेशन टू द क्लॉक, सिस्टम क्लॉक। यानी कि जो सिस्टम क्लॉक है वो कैसे इन सबको कंट्रोल सिग्नल दे रही है, इनको बात करने के लिए, कैसे कम्युनिकेशन करने के लिए इनको कंट्रोल सिग्नल दे रही है, प्रोसेसर को मेमोरी से, मेमोरी को प्रोसेसर से, इनपुट आउटपुट को प्रोसेसर से, या प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट से, वो समझना हमें बहुत जरूरी है। तो उसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको हिंदी में तैयार किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। दिस कुड बी इजीली एक्सप्लेन बाय दिस एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है छोटा सा कि किस तरीके से अगर आपको कोई कोरियर अपने घर से कहीं और भेजना है तो वो आप कैसे भेजते हैं, वो आपको यहाँ पे समझाया गया है। देखिए सबसे पहला लिखा है कोरियर बॉय, जो कोरियर वाला जो लड़का है ऑफिस से एड्रेस प्राप्त करेगा, यानी कि आपका एड्रेस लेगा अपने ऑफिस से कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है ना। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके गली मोहल्ला या मकान नंबर ढूंढेगा और वहां पहुंच जाएगा। यानी कि आपका एड्रेस जो आपके यहाँ से उसे एक पैकेट उठाना है तो आपका एड्रेस उसे चाहिए होगा, तो अपने ऑफिस से जो भी कोरियर सर्विस होगी वहां से अपना आपका एड्रेस लेगा और अपनी गाड़ी उठा के अपनी जो भी उसके पास वाहन होगा उससे वो आपका गली मोहल्ला या मकान नंबर ढूंढता हुआ आपके घर आ जाएगा। आने के बाद दूसरा काम क्या करेगा, वो दूसरा काम क्या करेगा, कोरियर बॉय घर की घंटी बजाएगा, वो घर की बेल बजाएगा, ठीक है। तीसरा काम क्या करेगा, घर में फिर जैसी घंटी बजाएगा तो घर में कोई ना कोई समझ में आएगा घर वालों को कि हाँ भाई कोई बाहर है, तो घर का कोई व्यक्ति कोरियर बॉय को पैकेट देता है और कोरियर बॉय पैकेट को ऑफिस पहुंचाने के लिए निकल जाता है। भाई पैकेट देता है और पैकेट देने के बाद वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, निकलने के लिए अपनी गाड़ी वगैरह वो स्टार्ट करता है, जो भी जैसे भी उसे जाना होता है। उसके बाद ऑफिस स्टाफ कोरियर पर लिखे इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको वहां पहुंचा देता है, ठीक है। जो भी हमने लिखा है एड्रेस, जो भी मुझे पहुंचाना है कोरियर, तो ऑफिस का जो स्टाफ होगा ऑफिस पहुंच के वो कोरियर देगा, तो ऑफिस का स्टाफ इंस्ट्रक्शन जो भी उस पर लिखा होगा मैंने उसके हिसाब से उसे वो पैकेट को आगे पहुंचा देगा। अब ये आपने चार पॉइंट इसको ध्यान में रखेंगे और आगे देखेंगे अब ये कैसे काम करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेप्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल, हाउ द माइक्रो प्रोसेसर फेच और गेट अ मशीन कोड फ्रॉम अ मेमोरी। अब जो मैंने आपको ये चार एग्जांपल बताया कि आपको कोरियर भेजना है तो कोरियर लेने के लिए एक बंदा आया, उसने आपका गली मकान नंबर वहां से लेके आया, ढूंढ एड्रेस आपका लेके आया वहां से, फिर आपके घर आके उसने घंटी बजाई, आपको एक्टिवेट कर दिया उसने, आप आए, आपने उसे पैकेट दिया, वो पैकेट ले जाके उसने जैसे ही वहां पे दिया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जो भी आपने लिखी थी कि यहां भेजना है उसके हिसाब से उसे भेज दिया। वो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको दिखाएंगे कैसे हुआ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इलस्ट्रेट द टाइमिंग एंड डाटा फ्लो। आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना है और डाटा फ्लो डायग्राम बनाना है। When the instruction code, एक instruction code दिया है आपको 0100111, 0100 किसका binary है, 4 का BCD है, sorry, ठीक है, और 1111 क्या है, वो क्या है F, तो 4F एक आपका instruction code है, एक data है, एक address, sorry, एक data है आपका 4F, ठीक है। इस 4F को आपको store करना है कहाँ पे, address दिया हुआ है 2005 पे, 2005H पे जो आपका है, ये जो आपका ये डाटा कहाँ पड़ा है, 2005H पे ये डाटा आपको पड़ा है, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है डाटा को, और इसको कहाँ मूव करना है, इसको आपको रजिस्टर सी में मूव करना है, ठीक है, रजिस्टर सी में आपको मूव करना है इसको, ठीक है। क्या करना है दोबारा सुन लीजिए, जो आपका डाटा है 4F, ये आपका डाटा है, ये कहाँ पड़ा हुआ है, 2005 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, इसको वहां से उठाना है और रजिस्टर सी में मूव करना है। तो अब ये कैसे मूव करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। वो जो पीछे आपको बताया किस तरीके से कोरियर बॉय वाला, वो एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, टू फेच द बाइट 4F, यानी कि जो 4F जो डाटा है उसे निकालने के लिए माइक्रोप्रोसेसर नीड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन 2005H, यानी कि माइक्रो भाई डाटा है, डाटा को उठाने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को पहले एड्रेस पता होना चाहिए, जैसे कि कोरियर बॉय कोरियर वाले लड़के को आपके घर से पैकेट उठाने के लिए आपका एड्रेस पता होना चाहिए था, उसके बाद ही तो वो इनेबल करेगा जो भी होगा डाटा फ्लो ऑफ मेमोरी, जो भी उसका रास्ता होगा वो कैसे पता चलेगा उसे, जब तक एड्रेस नहीं होगा,
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेच साइकिल, दिस इज कॉल्ड अ फेच साइकिल। देखिए कैसे होगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा ये चीज समझना जरूरी है, मैंने सबसे ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है कि क्या क्वेश्चन था हमारा, ये हर स्लाइड में आपको मिलेगा। फॉर दिस एग्जाम्पल वी हैव टू शो हाउ डाटा बाइट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी प्रोसेसर यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। इस एग्जाम्पल में हमें ये शो करना है कि कैसे वो डाटा बाइट 4F मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है। तो वी सी फाइव डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिग्नल्स इन रिलेशन विथ सिस्टम, हम यहाँ पे पांच सिग्नल आपको दिखाएंगे कि वो पांच सिग्नल कैसे मूव करते हैं। द लॉजिक लेवल ऑफ द ग्रुप लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हाई एंड लो लॉजिक्स, ठीक है। जो लॉजिक लेवल होगा ग्रुप लाइन्स का वो हाई और लो से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। द क्रॉस ओवर ऑफ द लाइन्स इंडिकेट दैट द न्यू बाइट इज प्लेस्ड ऑन द बस, जैसे ही कहीं दो लाइन के बीच में क्रॉस ओवर आएगा, ये क्रॉस ओवर है देखिए, जैसे ही कहीं क्रॉस ओवर आएगा मतलब क्या है कि इस क्रॉस ओवर के बाद कोई नया डाटा बस के ऊपर डाला गया है, ठीक है। एंड द डैश लाइन इंडिकेट द हाई इंपीडेंस स्टेट, ये जो डैश लाइन है, डैश बना हुआ यहाँ पे बीच में, डैश लाइन का मतलब है कि अब ये जो आपका प्रोसेसर है वो कहाँ पे, हाई इंपीडेंस स्टेट में पहुंच गया। हाई इंपीडेंस स्टेट आपको बताई थी जब ट्राई स्टेट लॉजिक बताया था, जब हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब कि जब आउटपुट आपका कुछ समय के लिए जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने अब करना है, देखिए कैसे होगा। अब स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप, ये साइड में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप इसमें ध्यान से देखिए। पहला स्टेप पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या है, एट टाइम टी वन, ये आपको टाइम टी वन अभी आगे वाले डायग्राम में दिखाएंगे कहां पे आएगा। द एमपीयू प्लेस 16 बिट मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर ऑन द एड्रेस बस, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस कौन सा है, 2005H जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2005H। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, जो आने वाला इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो प्रोग्राम काउंटर में 2005H वो कौन स्टोर करेगा, एमपीयू स्टोर करेगा, देखिए लिखा है एमपीयू प्लेस 16 बिट मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। एमपीयू क्या करेगा, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर को देगा, ठीक है, और वहां से उस प्रोग्राम काउंटर से उसे कहां पे डाल देगा, उसे एड्रेस बस पे डाल देगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर में 2005S था, ये कहां पर आ गया, एड्रेस बस पे 2005 आएगा, एड्रेस बस पे 2005। ये क्या है कि कोरियर बॉय ने आपका एड्रेस ले लिया और गाड़ी स्टार्ट करके उसने मकान, देखिए प्रोग्राम काउंटर ने एड्रेस बस को 2005 दिया और एड्रेस बस ने 2005 एड्रेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ढूंढना स्टार्ट करा और 2005 पे जाके ये यहां पे रुक गया। इतना सा काम हो गया, ये इतनी बात समझ में आई क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर ने जो क्या किया, प्रोग्राम काउंटर से जो आपका 2005H जो वहां पे स्टोर था उसे कहां दे दिया, एड्रेस बस पे दे दिया, यानी कि एक तरीके से कोरियर बॉय ने ऑफिस से अपना एड्रेस ले लिया, ठीक है, अपना एड्रेस लेके उसने एड्रेस ढूंढ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में टाइमिंग डायग्राम देखेंगे, देखिए ये भी स्टेप फर्स्ट ही है, इसका टाइमिंग डायग्राम देखिए। एट टाइम टी वन, चार टाइम दिख रहे हैं आपको, T1, T2, T3, T4, देखिए ऊपर आपको चार टाइम दिखाई देने हैं। इन दिस फिगर हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस 20H, अब देखिए ये जो एड्रेस है 2005, इसका 20 जो है वो हाई ऑर्डर एड्रेस है और जो लास्ट का 05 है वो लो ऑर्डर एड्रेस है। तो जो हाई ऑर्डर एड्रेस है 20 वो कहां पे प्लेस होगा, वो होगा A8 से A15 के बीच में, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे TH आपका हमने प्लेस कर दिया, ये आपकी हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस लाइन है आपकी, ठीक है। और जो लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस लाइन है AD7 से AD0 तक, उसमें जो लो ऑर्डर एड्रेस होगा 05, लो ऑर्डर मतलब बाद वाला, यानी कि हाई ऑर्डर मतलब जो हाई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला होगा, लो ऑर्डर मतलब जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला होगा। तो लाइन पे आ गया, ये देखिए आ गया, ठीक है। साथ ही साथ ALE goes high, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने AD7 से AD0 पे 05H डाला है, तो अब ये पता कैसे चलेगा कि AD7 पे AD0 से AD7 पे जो 05H है वो एड्रेस है कि डाटा है। तो एड्रेस लैच इनेबल को मैंने हाई कर दिया, और जैसे ही एड्रेस लैच इनेबल को हाई करते हैं तो AD7 ये जो मल्टीप्लेक्स लाइन है AD0 से AD7 वाली, इस पे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इस पे जो भी पढ़ा है वो क्या है, आपका एड्रेस है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा यहां से, ठीक है। और साथ में सिग्नल IO ओब्लिक मेमोरी ये लो हो जाएगा, ठीक है, IO ओब्लिक मेमोरी आपका लो हो जाएगा। लो होने का मतलब क्या है,
कि इनपुट आउटपुट से कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मेमोरी का बार है तो लो होते ही जीरो की जगह एम की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ऑपरेशन कहां पे हो रहा है आपका, मेमोरी में ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी शो कर देगा, ठीक है। रीड सिग्नल अभी आपका हाई है, हाई का मतलब क्या होगा, जीरो, तो रीड सिग्नल अभी यहां पे नहीं है, टी1 की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं, 20H हमने लोड कर दिया, हाई एड्रेस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला 20 एड्रेस लाइन में, फिर 05 हमने कर दिया लो एड्रेस लाइन में, एड्रेस लैच इनेबल कर दिया ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे एड्रेस है मल्टीप्लेक्स लाइन पे, और आईओ को हमने क्या कर दिया है, लो कर दिया ताकि पता चल जाए जो भी हमारा ऑपरेशन हो रहा है वो मेमोरी से, डाटा जो फेच करना है वो कहां से करना है, मेमोरी से करना है। तो ये सारा काम कहां हो रहा है, टी1 साइकिल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा, अब हमारा जो कोरियर बॉय है उसने एड्रेस ढूंढ लिया, घर पहुंच गया था वो पिछली टाइम में। अब टाइमिंग T2 के अंदर हम देखेंगे आगे वाले उसमें, यहां देखिए, द कंट्रोल यूनिट सेंड रीड सिग्नल टू इनेबल द मेमोरी। अब जैसे ही ये एड्रेस बस 2005 पे पहुंचेगा या एड्रेस ढूंढ लेगा अपना, तो कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा, रीड सिग्नल भेज देगा किसे, मेमोरी यूनिट को, मेमोरी यूनिट को रीड सिग्नल भेज देगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा इसको कि हमारे कर्सर को जो है, हमारा जो कंट्रोल है उसे समझ में आ जाएगा कि 2005H पे जो भी डाटा पड़ा है उसे रीड करना है, क्योंकि रीड सिग्नल हमारा मिल चुका है मेमोरी को। तो रीड सिग्नल मिलने का मतलब क्या है कि कोरियर बॉय ने तो एड्रेस पे पहुंच गया था, तो उसने घर की घंटी बजाई और घर को एक्टिवेट कर दिया। रीड सिग्नल मिलना मेमोरी को मतलब होता है कि मेमोरी का एक्टिवेट हो जाना, ठीक है। तो मेमोरी को एक्टिवेट कर दिया, रीड सिग्नल से एक्टिवेट किया है, तो अभी वो रीड कमांड को परफॉर्म करेगा, ठीक है। कोरियर बॉय ने घर जाके घंटी बजा दी है, ठीक है, ये समझ में आया। आगे चलेंगे स्टेप टू का ही हम टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। अब हम T2 में जा रहे हैं, तो हाई ऑर्डर तो हमारा बिल्कुल सेम वही 20H डाटा ही पड़ा है उसपे, ठीक है। लो ऑर्डर पे भी हमारा, ठीक है, लो ऑर्डर पे अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, भाई उसने एड्रेस ढूंढ लिया तो एड्रेस का तो काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हाई इंपीडेंस स्टेट आएगी, ठीक है। जब तक वो, कब तक आएगी हाई इंपीडेंस स्टेट, जब तक कि हमारा ये वाला टाइम, ये देखिए ये है रीड, जब तक हमारी रीड वाली जो कमांड है मेमोरी को नहीं मिल जाती, ये जो आपको स्लांट दिखाई दे रहा है बस इतनी देर के लिए हाई इंपीडेंस स्टेट आएगी, और उसके बाद जैसे ही हम रीड सिग्नल को एक्टिवेट कर देंगे, दिखाया जाए रीड सिग्नल इज एक्टिव ड्यूरिंग द टू पल्सेस, एक्टिव कर देंगे रीड सिग्नल को, एक्टिव करते क्या होगा, जो F4H जो आपका डाटा पड़ा होगा वो डाटा क्या होगा आपका रीड, वो डाटा आपका जो है वो बाहर आ जाएगा। दिखाया था कंट्रोल सिग्नल रीड इज सेंट बाय द कंट्रोल यूनिट टू इनेबल द मेमोरी, कंट्रोल सिग्नल भेज दिया है रीड ने, एनेबल कर दिया मेमोरी को। तो अब क्या होगा, अब एड्रेस और डाटा, अब देखिए ALE जीरो हो गया, ALE यहाँ पे जीरो हो गया, ALE जीरो होने, T2 की बात चल रही है, T2 में ALE जीरो हो गया, इसका मतलब अब एड्रेस AD7 पे, AD0 से AD7 पे एड्रेस नहीं है, अब क्या है वहां पे डाटा है, और डाटा क्या है 4FH। तो अब क्या हुआ, बेसिकली कोरियर बॉय ने घंटी बजाई, ठीक है, और जो है डाटा बिल्कुल उसे मिलने के लिए तैयार है, रीड सिग्नल क्योंकि मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका कब हो रहा है, टाइमिंग T2 में। अब नेक्स्ट देखेंगे, द बाइट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन द डाटा बस। अब क्या होगा, ये जो बाइट है 4F, ये कहां पे प्लेस हो जाएगी, डाटा बस पे प्लेस हो जाएगी। अब ये यहां पे आ गई है डाटा बस पे, ठीक है, यहां पे आ गई। यानी कि क्या मतलब है कि घर का कोई व्यक्ति कोरियर बॉय को पैकेट देता है और कोरियर बॉय ऑफिस के निकल, ऑफिस पहुंचने के लिए निकलता है, भाई उसको पैकेट मिल गया, 4F डाटा आ गया, वो निकलने के लिए तैयार है। अब उसे कहां जाना है वो हम आगे देखते हैं। ये कब हो रहा है, ये भी T2 टाइम पे ही हो रहा है, उसी समय हो रहा है, ठीक है। देखिए T2 टाइम पे ही, भाई 4F डाटा उसे कहां मिल गया, T2 टाइम पे मिल गया, जैसे रीड सिग्नल आया T2 टाइम पे मिल गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसमें, व्हेन मेमोरी इज, भाई 4F इज प्लेस्ड ऑन डाटा बस AD7 टू AD0 एंड ट्रांसफर टू MPU। अब क्या होगा, जैसे ही AD7 से AD0, यानी कि अब AD7 AD0 डाटा की तरह काम कर रही है, जैसे ही उस पर जाएगा वो कहां चला जाएगा डाटा, वहां से उठ के सीधा जाएगा कहां, MPU पे, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट पे चला जाएगा। ये क्यों होगा, बिकॉज रीड सिग्नल कॉज डाटा बाइट टू बी प्लेस्ड ऑन डाटा लाइन। जैसे ही रीड सिग्नल कमांड देगा चिप को, मेमोरी की चिप को, वो क्या करेगी, अपना डाटा जो है, जो भी डाटा 2005H पे पड़ा था उसे वो कहां प्लेस कर देगी, डाटा लाइन पे प्लेस कर देगी। और ऐसे समय में ALE जो होगा वो आपका लो हो जाएगा, एड्रेस LH इनेबल आपका लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या हुआ था, उसको पैकेट पकड़ा चुके थे, अब क्या होगा देखिए आगे, कोरियर बॉय को पैकेट दे दिया था,
नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप क्या है, T3 और T4 दोनों का कंबाइंड स्टेप है। द डाटा बाइट इज प्लेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन डिकोडर ऑफ MPU एंड द ऑपरेशन इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। यानी कि अब जो डाटा बाइट थी वो यहां से निकल के कहां जाएगी, सीधी इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आ जाएगी, इंटरनल डाटा, और जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना होगा वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा होगा या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ऑफिस, उसने ऑफिस में दे दिया लड़के ने, क्योंकि वो तो निकल चुका था यहां से जो कोरियर बॉय था, उसने ऑफिस में दिया और ऑफिस के स्टाफ ने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी थी उसके अनुसार पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी या फिर उसे पहुंचा दिया। ठीक है, इसका मतलब कि उसने जैसे यहां से डाटा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में दिया तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में पहुंचने के बाद क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जैसे डाटा पहुंचा आपका, उन्होंने ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 हुआ। ठीक है, देखिए इसका अगर हम देखें, द मशीन कोड ऑफ बाइट 4F इज डिकोडेड। अब क्या होगा, जो मशीन कोड है उसका जो भी उसका बाइट होगी वो डिकोड हो जाएगी इंस्ट्रक्शन डिकोडर से, एंड द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, वो कहां चली जाएगी डिकोड होते ही, सीधा एक्यूमुलेटर में चली जाएगी। ठीक है, और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम फिर क्या करेंगे बाद में, ठीक है, और ये कब होगा ये वाला काम, जब रजिस्टर सी में कॉपी करने वाला, ये वाला होगा ऑप कोड फेच, यानी कि कब होगा, टाइमिंग T4। ठीक है, टाइमिंग T4 में, तो T2 और T3 में क्या होगा, T2 और T3 में डाटा मेमोरी से फेच होने से लेके और डाटा डिकोडर तक, इंस्ट्रक्शन डिकोडर तक पहुंचने का काम होगा और ऑपरेशन परफॉर्म होने का काम होगा। ऑपरेशन परफॉर्म होना मतलब क्या है कि वो डाटा एक्यूमुलेटर में जाना, और एक्यूमुलेटर से सी में कब कॉपी होगा, वो होगा टाइमिंग T4 में, जो आपका साइकिल T4 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका जो डाटा था 4F डाटा जो कि 2005 मेमोरी लोकेशन पे पड़ा था, उसे हमने पहले डाला मेमोरी लोकेशन से और फिर उसे मूव करा लिया, कहां पे, मूव सी डैश ए का मतलब क्या है, मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कहां मूव करना है, रजिस्टर सी में मूव करना है। तो पहले हमने एक्यूमुलेटर में लिया उसे, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसे कहां मूव कर लिया, सी में मूव कर लिया। तो इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से कंट्रोल एंड टाइमिंग आपका MPU में, माइक्रोप्रोसेसर में काम करता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट आपका काम करता है, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से जनरेट होते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छे लेक्चर आपको प्राप्त होते रहें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।